मैं ऑफर दिनी कि मैं सीधी चोण के मैदान चलूँ। मेरा सिर्फ कुछ सिद्धांतिक तौर पर मैं गल की सी कि जे प्रधान साहब जी, मैं अपील की कि इस समय तुसी जिहड़े लोगों में चर्चा चलती है कि पता नहीं लगता मौके पर आके लिफाफे चो प्रधान कढ़िया जाता है, उन्होंने एक बार चर्चा को खत्म करिए। कहिंदे डेमोक्रेसी खत्म हो गई है, ये लोकतंत्र नहीं रहा, इत्थे डिक्टेटरशिप है, इत्थे लिफाफे चो प्रधान कढ़ के बोले सोने वाले हथ खड़े करके कर देंगे। एक बार जिहड़े मैंबर जिहड़े साडे हाउस के मैंबर है वो जिन्हों चाहते हैं एक बार चुन दो। बीबी जगीर कौर दे इस बयान ने साफ कर दिता है कि वह SGPC की प्रधानगी ने चोन लड़ के ही रहेगी, पर सवाल यह है कि आखिर क्यों बीबी जगीर कौर बागी सुर से उतर आई है। पर बीबी दे इस ऐलान ने श्रोमणी अकाली दल के प्रधान सुखबीर सिंह बादल की चिंता जरूर बढ़ा दी है। श्रोमणी कमेटी के प्रधान ते होर अहुदेदारां दी 9 नवंबर नूं होण वाली चोन ने श्रोमणी अकाली दल अंदर हलचल तेज कर दी है। खास तौर उते बीबी जगीर कौर दे चोन लड़न दी पेशकश मगरों सुखबीर बादल खुद मैदान विच उतर के सब कुछ ठीक करन दी कोशिश विच जुटे हुए ने। जिक्रे खास है कि हमेशा पार्टी दे फैसले मुताबक चलन वाली बीबी जगीर कौर ने पहली बार खुलेआम श्रोमणी कमेटी प्रधान लई अपना नाम पार्टी अगे रख्या है। मैं ऑफर दिनी हां कि मैं सीधी चोन दे मैदान चाहूंगी। चोन प्रक्रिया भावे उस तरह ही है, वोटा भी पैंदिया, दो खड़े भी होंगे है, पर इस तरह होंगी है कि जो असी उत्थे ना कढ़दे हैं ना किसी नूं पता नहीं हुंदा, किसी नूं सारी सलाह करन दा मौका नहीं मिलता। मेरा सिर्फ कुछ सिद्धांतिक तौर पर मैं गल की सी कि जे प्रधान साहब जी, मैं अपील की उन्होंने कि इस समय तुसी जिहड़े लोगों की चर्चा चलती है कि पता नहीं लगता मौके पर आके लिफाफे चो प्रधान कढ़िया जाता है, उन्हों एक बार चर्चा को खत्म करिए। जिमें ही बीबी जगीर कौर ने ऐलान किया तो सुखबीर बादल ने तुरंत माझा खेत्र के श्रोमणी कमेटी मैंबर नाल मीटिंग रख ली। इस बैठक में भी खासकर श्रोमणी कमेटी की सबका प्रधान बीबी जगीर कौर वालों मुड़ चोन लड़न का मुद्दा भार उठा। साका श्री पंजा साहिब के शताब्दी समागम में शामिल होने लई पुजे सुखबीर बादल ने समागम तो बाद मौजूदा प्रधान ते टीम दी कारगुजारी बारे मैंबरां दी राय लई ते बीबी जगीर कौर वल्लों चोन लड़न दे कीते ऐलान बारे भी चर्चा कीती। उते ही मीडिया वल्लों कीते सवालां तो भी सुखबीर बादल भजदे नजर आए। मैं जो उन्होंने कहा मैंने कितने सुनिया नहीं, मेरे को आया नहीं, पर मैं बीबी का बड़ा सत्कार करदा। पहली गल है कोई लिफाफा कल्चर नहीं है, आ जान के विरोधियों का ड्रामा अज तक कितने लिफाफा खर्चा नहीं। तुसी सारे जानते हो एक उम्मीदवार का नाम पेश हुंदा है, उस कमेटी और जो अजलास हुंदा है, फिर उन्हें तायद की जाती है, फिर एक आप ऐलान हुंदा होर किसी ने खड़ा होना है। उहदे विचों कई बार मैं देखिया अपने उम्मीदवार होर भी खड़े हो जाते हैं, उहदे बाद वोटा पैंदियां, जो वोटा पैंदियां दो दो उम्मीदवार खड़े हो जाते, फिर लिफाफा कल्चर कित्थे है? आ सारिया साजिशा है श्रोमणी अकाली दल नूं बदनाम करन दियां, सानू इन्हां दा कोई फर्क नहीं, जिन्ना मर्जी ड्रामे कर जान सिख संगत जानदी है। मीटिंग विच बीबी जगीर कौर वल्लों चोन लड़न दे ऐलान करके मामला होर भी पक गया ते पार्टी विच भी हलचल तेज हो गई है। मीटिंग विच इह सवाल खड़ा कीता गया कि बीबी जगीर कौर पार्टी वल्लों चोन लड़नगे जां फिर बागी होके। आगुआ ने कहा कि जेकर बीबी पार्टी तो बागी होने की सूरत विच चोन लड़ेगी तो पार्टी मैंबर उन्हां खिलाफ कार्रवाई करन दी भी मांग करनगे। सूत्रां अनुसार साबका प्रधान बीबी जगीर कौर अपने इस फैसले बारे श्रोमणी अकाली दल दे प्रधान नूं पहला ही मिल के दस चुके ने कि इस बार चोन लड़न लई ओह बजिद ने। बेशक बीबी जगीर कौर पिछले लंबे समय तो श्रोमणी कमेटी मैंबर चले आ रहे ने अते चार बार श्रोमणी कमेटी प्रधान भी रह चुके ने, पर इस वार दे असार कुछ नवे संकेत दे रहे ने। मौके दे हालातां नूं वेखिए तां सूबे दी सियासत विच बैकफुट उत्ते आ चुके श्रोमणी अकाली दल नूं अपना हर एक फैसला सोच समझ के लैणा पवेगा, क्योंकि जेकर पार्टी ने जल्दबाजी या मुकम्मल विश्लेषण कीते बगैर श्रोमणी कमेटी प्रधान अहुदे उत्ते कोई फैसला लिया तां समीकरण बदलन दी संभावना भी हो सकती है। न्यूज़ डेस्क तो तनु शर्मा की रिपोर्ट, जगबाणी टीवी।